बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज जगतगुरु विश्व आराध्य ज्ञान सिंहासन महापीठ जंगमवाड़ी मठ में हम सभी के बीच हमको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए श्री श्री 1008 जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी, हमारे श्री श्री 1008 जगतगुरु सिद्धलिंग राजदेशी केंद्र शिवाचार्य स्वामी जी हमारे बीच अभी जो उपस्थित हो रहे हैं, ऐसे 1008 डॉक्टर चन्न सिद्धाराम पंडितास्त्य शिवाचार्य महास्वामी जी, आदरणीय श्री डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन हम सभी को किया, ऐसे सोलापुर के सांसद माननीय डॉक्टर जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी हमारे बीच उपस्थित, इस काशी के MLA विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, हमारे मुंबई के सुपरिचित कृपाशंकर सिंह जी, हमारे अक्कलकोट के आमदार सचिन कल्याण शेट्टी जी, माजी आमदार विश्वनाथ चाकोते जी, बागलकोट के विधायक हिरण्णा चरणकोट जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे पूज्य आचार्यगण और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बाबा विश्वनाथ जी को नमन करता हूँ और साथ साथ हमारे पंचाचार्यों के चरणों में मैं अपनी वंदना अर्पित करता हूँ। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष का समय है, जहां एक और डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य जी का पट्टाभिषेक हो रहा है, वहीं आज हम सभी के बहुत ही आदरणीय पूजनीय ऐसे जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी का अमृत महोत्सव हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं। और ये भी बहुत अच्छा अवसर है, जहां एक और हमारे भारत की आजादी का अमृत महोत्सव हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मना रहे हैं, और हमारे संविधान ने हमारे देश के प्रमुख के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी को बागडोर सौंपी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश में अगर हमारे देश का इतिहास देखें तो राजसत्ता से बड़ी धर्मसत्ता को हमने माना है, और धर्मसत्ता के अधिपति डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज जी, इनकी अमृत महोत्सव के समय मैं यहां पर उपस्थित हो पाया, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि जंगमवाड़ी के इस मठ को एक बहुत प्राचीन इतिहास है, और पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आक्रमणकारी इस इतिहास को नहीं मिटा पाए, और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की संस्कृति इतनी ताकतवर है, हम सबने सुना है
ग्रीक हूण शकयवंत टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर, पता नहीं कहां है वे, अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में खुद को वे मिटा गए। ये ताकत हमारी संस्कृति की है कि इस पर कितने भी आक्रमण हुए तब भी हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने हमारी संस्कृति को जीवित रखा। और शायद इसीलिए आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति के रूप में हमारी भारत की संस्कृति को देखा जाता है। और जिसका उल्लेख यहां पर किया गया कि हमारे पांच पीठ और पंच आचार्य, इन्होंने जिस प्रकार का ज्ञान हमको दिया है सिद्धांत शिखामणि के माध्यम से, अद्वैत वेदांत को जिस प्रकार से परिभाषित किया गया है और उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया तो हमारे गुरुओं के साथ विशेष रूप से हमारे जगत गुरु चंद्रशेखर महास्वामी जी ने यह काम किया। और केवल भारत नहीं तो रशिया में और देश के कई भाषाओं में, विश्व की कई भाषाओं में हमारे वेदों का ज्ञान, हमारे वेदांत का ज्ञान ये समाज तक पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया। और ये ऐसा अद्भुत ज्ञान है, पूरा ब्रह्मांड जो है उस ब्रह्मांड का जो सूत्र है वो सूत्र इस ज्ञान के माध्यम से हमको दिखाई पड़ता है। और जैसे हमारे जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी बता रहे थे कि आचार्य जी ने अगस्त्य मुनि को ये संहिता दी और सिद्धांत शिखामणि उन तक पहुंची, और जो स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं, और ऐसा हम मानते हैं कि ये जो भगवान शिव का माता पार्वती के साथ का संवाद है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इस संवाद में हमको दिखाई पड़ता है। आजकल हम कंप्यूटर की भाषा बोलते हैं और कंप्यूटर की भाषा में ऐसा माना जाता है कि पूरा विश्व जो चलता है वह एक अल्गोरिदम के आधार पर चलता है। ये अल्गोरिदम क्या है? ये अल्गोरिदम दूसरी तीसरी कोई बात नहीं है, ये अल्गोरिदम सिद्धांत शिखामणि है, उसका ज्ञान है, जो ज्ञान समूचे ब्रह्मांड का संचलन किस प्रकार से होता है। और हम तो ये मानने वालों में से है, अद्वैत का मतलब क्या होता है? जो भेद ही नहीं है, जिसमें कोई भेद नहीं है, जहां शिव और जीव ये दोनों तत्व एक हो जाते हैं, वही अद्वैत तैयार होता है। और इसलिए हमने कभी जीव से शिव को अलग नहीं माना, और हम तो ये मानते हैं कि शिव क्या है? शिव तो हमारी आत्मा है। हमारा शरीर शिव तत्व निकल जाए तो पत्थर जैसा है, और पत्थर में भी शिव तत्व आ जाए तो भगवान बन जाता है। ये शिव तत्व की महिमा जो हमारे वीर शैव समाज ने, हमारे गुरुओं ने हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया, और आज उसी के चलते इतने आक्रमणों के बाद भी हमारी संस्कृति जीवित रही। आप ये समझिए, जो आक्रमणकारी आते थे वो जानते थे कि भारत की सभ्यता, भारत का विचार, भारत की संस्कृति इतनी मजबूत है कि जब तक इस संस्कृति को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक भारत पर हम राज नहीं कर पाएंगे। भारत को लूट तो सकते हैं, यहां की संपत्ति तो समाप्त कर सकते हैं, लेकिन यहां के विचारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। और जो लोग तलवार की धार पर पूरी दुनिया को बदलने के लिए निकले थे वो भारत तक आते थे और हार जाते थे। यहां राज तो करते थे लेकिन यहां का विचार कभी समाप्त नहीं कर पाते थे। और ऐसे ही एक नादान मुगल सम्राट ने बाबा विश्वनाथ के ऊपर भी आक्रमण किया। वो ऐसा मानते थे कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर अगर तोड़ देंगे
तो बाबा विश्वनाथ भी समाप्त हो जाएंगे, शिव भी समाप्त हो जाएगा और शिव तत्व भी समाप्त हो जाएगा। पर वो जानते नहीं थे ये शिव तत्व केवल लिंग में नहीं बसता, लिंग के अंदर जो तत्व बसता है उस तत्व को कोई मार नहीं सकता, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। वो ऐसा तत्व है चाहे जितनी तलवारें आ जाए, कितनी तोपे लेकर आ जाइए, कितने बम धमाके कर दीजिए, इस तत्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। और इसलिए वो नादान लोग आते थे और कभी काशी विश्वनाथ को तोड़ते थे, कभी सोमनाथ को तोड़ते थे, कभी अयोध्या को तोड़ते थे और कहते थे देखिए हम कितने शक्तिशाली हैं, हम तो आपके भगवान को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन वो जानते नहीं थे कि हमारे बाबा विश्वनाथ का, हमारे सोमनाथ का, हमारे अयोध्या का आशीर्वाद ऐसा था कि हमारे धर्म को वो न समाप्त कर पाए, न हमारे विचार को वो समाप्त कर पाए, क्योंकि जंगमवाड़ी जैसे मठ हमारे विचारों को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए, विचारों के धरोहर को अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए, ये जो विचारों की मालिका है, श्रृंखला है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा कार्य करते रहे और अपना घर संसार परिवार छोड़कर ये कार्य सातत्य से होता रहा। और आज तो जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का कॉरिडोर तैयार किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बार हम जब जाकर वहां पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन लेते हैं तो हमारा मन ये एक संतोष के साथ भर जाता है और वो सारी आक्रमण की विभीषिका, वो सारे आक्रमण के घाव एक दिन में भर जाते हैं और बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। और आज इस कार्यक्रम में जब मैं यहां आया हूं तो ऐसे विचारक हमारे बीच यहां पर मौजूद है जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम सबके लिए, हम तक विचार पहुंचे, संस्कार पहुंचे, इसके लिए खपाया है। अपने जीवन में उम्र के 13वें साल में उन्होंने पद स्वीकारा, 35वें साल उनका पट्टाभिषेक हुआ और तब से लेकर आज तक लगातार वे सेवा कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान के माध्यम से इस काशी की नगरी में जो हमारी प्राचीनतम नगरी है, जो हमारी ज्ञान की नगरी है, उस ज्ञान की नगरी में ये जो ज्ञान सिंहासन महापीठ है, उस ज्ञान सिंहासन महापीठ को समृद्ध करने वाले हमारे सभी के जगतगुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज जी, इनके इस अमृत महोत्सव पर हम तो उनको क्या दे सकते हैं। आचार्यों को दिया नहीं जाता, आचार्यों से तो लिया जाता है, तो हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि जिस समय वे उम्र के 100 साल पूरे करें उस समय भी हम सबको उनके बीच रहने का मौका मिले, उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिले और उनके विचारों से उस समय भी हम लोग लाभान्वित हो, समृद्ध हो, यही आशीर्वाद मैं उनसे भी मांगता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज यहां पर आने का मौका मुझे मिला। महाराष्ट्र में तो ये मान्यता है और विशेष रूप से हमारे वीर शैव लिंगायत समाज में ये मान्यता है कि जीवन में एक बार तो काशी में आने का मौका मिलना ही चाहिए। और मैंने भी कोई पुण्य किया होगा कि आपके साथ साथ वो मौका मुझे भी मिला और मैं जंगमवाड़ी मठ में यहां पर पहुंचा। तो मैं जगत गुरु जी को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से हम लाभान्वित हैं और हम आपके सेवक हैं। हम जनता के तो सेवक है ही, लेकिन हम धर्म के भी सेवक हैं और जहां जहां धर्म को आवश्यकता होगी हम सेवा करने के लिए तत्पर है। आप आदेश कीजिए, वो सेवा करने की जिम्मेदारी हम यहां पर लेते हैं। सच तो यह है कि आज का दिन
मेरे जीवन का एक बहुत पवित्र दिन है। सुबह की शुरुआत बाबा विश्वनाथ से हुई और शाम का ये समय जब मैं जहाज लेकर वापस जाऊंगा उस समय मुझे जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य जी का आशीर्वाद यहां पर लेने का मौका मिला, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इससे सफल दिवस और दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं विशेष रूप से हमारे सांसद डॉक्टर जय सिद्धेश्वर स्वामी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वे निमंत्रण देने के लिए आए। आप निमंत्रण नहीं देते महास्वामी जी तो हम पहुंच ही नहीं पाते, तो आपने निमंत्रण दिया इसलिए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। और बार बार बुलाइए, यहां पर आने का मौका दीजिए। ये जगह हमारे आत्मिक शुद्धिकरण की जगह है। हम तो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं और लोग कहते हैं राजनीति तो कीचड़ है, हम कहते हैं इसीलिए कमल फूलता है क्योंकि कीचड़ से ही कमल निकलता है। लेकिन राजनीति में काम करने वाले लोगों को आत्मशुद्धि की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, और आत्मशुद्धि की आवश्यकता अगर पूरी करनी है तो जंगमवाड़ी मठ में आकर हम आत्मशुद्धि की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। वो मौका आपने दिया इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पधारे हुए सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर से एक बार इस अमृत महोत्सव के निमित्त से मैं महास्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक खूब महत्वाची गोष्ट, एक महाराष्ट्राचा माजी मुख्यमंत्री म्हणून आणि महाराष्ट्राचा सेवक म्हणून आपल्या सगळ्यांकरता आणि महाराष्ट्राकरता ही अतिशय गौरवाची गोष्ट आहे की या ठिकाणी उत्तराधिकारी म्हणून ज्यांचा पट्टाभिषेक होतो आहे ते डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामीजी हे आपल्या महाराष्ट्रातल्या सोलापूरचे आहेत, तो महाराष्ट्र को ये सम्मान दिया इसलिए मैं आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मी स्वतः त्यांच्या मठात गेलो होतो आणि अतिशय सुंदर कार्यक्रम त्या मठामध्ये मला पाहायला मिळाला आणि त्या ठिकाणी जी भव्यता होती, जी दिव्यता होती, मला विश्वास आहे की उत्तराधिकारी म्हणून जे एक मोठं कार्य या ठिकाणी महास्वामीजींनी हातात घेतलेलं आहे तेच कार्य पुढे नेण्याचं काम या ठिकाणी उत्तराधिकारी म्हणून ते करतील। मी त्यांनाही पूर्ण महाराष्ट्राच्या वतीनं शुभेच्छा देतो।